नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सुनील मोरे। एक्सरसाइज, वर्कआउट, व्यायाम आपको रोजाना करने, ज्यादा नहीं तो थोड़े थोड़े। जैसा कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखा कि हेल्थ क्या है, और हमने जाना कि हेल्थ के तीन पैमाने होते हैं जिसमें हमें खरा उतरना बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर हम एक हेल्दी पर्सन कहलाना चाहते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब हम गुस्सा होते हैं या फिर किसी टेंशन में होते हैं तो हम कभी कुछ ज्यादा खाना खा लेते हैं, कभी कम खाना खाते हैं, कभी खाना ही नहीं खाते। हमें किसी काम में मन नहीं लगता, हम ना अच्छे से सो पाते हैं, ना हमारी नींद पूरी हो पाती है, ना हम ढंग से खा पाते हैं, ना किससे बात कर पाते हैं। किसे बात करने के टाइम हमें चिड़चिड़ाहट होती है, हमें बहुत गुस्सा आता है, और यही चीजें जब बहुत दिनों तक चलती है तो हमारा जो हेल्थ है वो धीरे धीरे खराब होने लगता है। तो देखा आपने एक अच्छी मेंटल हेल्थ होना कितनी जरूरी है हमारे लिए। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो में, क्योंकि आज का टॉपिक है मेंटल हेल्थ। अकॉर्डिंग टू WHO, जो कि है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अ स्टेट ऑफ वेलबींग इन विच द इंडिविजुअल रियलाइजेज हिज और हर ओन एबिलिटीज, कैन कोप विद द नॉर्मल स्ट्रेस ऑफ लाइफ, कैन वर्क प्रोडक्टिवली एंड फ्रूटफुली, एंड इज एबल टू मेक अ कंट्रीब्यूशन टू हिज और हर कम्युनिटी। मतलब कि वह स्थिति जिसमें व्यक्ति अपने क्षमताओं का एहसास करता है, जीवन के सामान्य तनाव का सामना करता है, उत्पादक और फलदायी रूप से काम करता है, अपने या अपने समुदाय के लिए योगदान देने में सक्षम होता है। जनरली बोलचाल भाषा में जिसको मेंटल इश्यूज है, मतलब जिसको दिमागी बीमारी है, उसे कह दिया जाता है कि इसका मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको ये चीजें समझनी होगी कि जो मेंटल हेल्थ है वो आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए है, ना कि बीमारियों के लिए। सीधे साधारण शब्दों में अगर हम ये समझना चाहते हैं कि एक्चुअल में मेंटल हेल्थ है क्या, तो मेंटल हेल्थ का मतलब होता है कि हमें अपने एबिलिटी के बारे में पता होती है, हमें अपने स्ट्रेंथ के बारे में पता होती है, हमें अपने बारे में पता होती है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी एबिलिटी क्या है, हमारा विल पावर क्या है। आपने देखा होगा कि आजकल लोगों को दूसरों के बारे में बहुत ज्यादा पता होता है कि दूसरों की एबिलिटी क्या है, दूसरों का स्ट्रेंथ क्या है, मगर उन्हें खुद के बारे में यह पता नहीं होता कि उनके स्ट्रेंथ क्या है, उनकी एबिलिटी क्या है। अगर किसी को दिमागी बीमारी नहीं है, इसका यह मतलब नहीं है कि उसका मेंटल हेल्थ अच्छा होगा। और अगर किसी को दिमागी बीमारी है तो आप ये नहीं कह सकते कि वो मेंटली हेल्दी नहीं है। अगर हमें हेल्दी रहना है तो हमें अपने मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि जब हम मेंटल हेल्थ पे ध्यान देते हैं तब हम अपने फिजिकल हेल्थ को भी इम्प्रूव करते हैं। जैसे कि जब हम बहुत टेंशन में होते हैं या फिर हम बहुत गुस्से में होते हैं तो हमें खाने पीने का बिल्कुल भी होश नहीं रहता, या फिर हम कभी ज्यादा खा लेते हैं या फिर हम कम खा लेते हैं, तो इसकी वजह से हमारा हेल्थ तो खराब होता ही है, साथ ही साथ हम अपने फिजिकल हेल्थ को भी बिगाड़ देते हैं। मतलब कि अगर कोई पतला है तो वो और पतला होता जाता है, और कोई मोटा है तो और भी ज्यादा मोटा होता जाता है। अपने मेंटल हेल्थ पे ध्यान दीजिए। इसके बाद हमारा टॉपिक होगा सोशल हेल्थ, जो कि हेल्थ का तीसरा पैमाना है। तो बने रहिएगा मेरे वीडियोस में, और जिसके लिए सब्सक्राइब करना होगा आपको मेरा चैनल। तो फिट रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, बाय बाय।